हम गायनेकोमेस्टिया की कॉस्ट के बारे में फर्स्ट आपसे डिस्कस करेंगे। सो इसमें पेशेंट की ग्रेड्स के हिसाब से कॉस्ट काफ़ी वेरी करती है। तो जो मोस्टली जो कॉस्ट हमारा 30,000 का पैकेज रहता है नॉर्मली, लेकिन यदि किसी का बहुत निप्पल में सिर्फ पफिनेस है, जिसे पफी निप्पल कहा जाता है, तो उस केस में टोटल कॉस्ट जो रहता है 28,000 का रहता है, हॉस्पिटल एक्सपेंस, सर्जन चार्ज, एनेस्थीसिया मिलाकर। यदि मोस्ट ऑफ द केसेस में जो गायनेकोमेस्टिया रहता है ग्रेड 1, 2, 3 रहता है, मतलब नॉर्मली गायनेकोमेस्टिया जो होता है, तो उसमें जो टोटल पैकेज होता है 30,000 का होता है। यदि किसी का बहुत ज़्यादा ही बड़ा साइज़ है, जिसे ग्रेड 4 कहा जाता है, जिसमें पूरा हैंगिंग ब्रेस्ट रहता है, तो उसमें 32,000 का कॉस्ट लगता है। कॉस्ट कम होने का मतलब ये नहीं कि हम कुछ सब ऑप्टिमल क्वालिटी देंगे। हमारा उद्देश्य है कि बेस्ट पॉसिबल क्वालिटी एट लोएस्ट कॉस्ट हम पेशेंट को दे सकें। हम लोग के पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेस्ट टीम है, जिसकी वजह से हम लोग आपको लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट में सर्जरी कर सकते हैं। हमारा मार्जिन हम लोग कम रखते हैं और पेशेंट को बेनिफिट उसका देते हैं। जो हमारा जो कॉस्ट बताया है उसमें सर्जरी का पैकेज इंक्लूड है, मीन्स उसमें हॉस्पिटल एक्सपेंस, सर्जन चार्ज, एनेस्थीसिया असिस्टेंट, इंस्ट्रूमेंटेशन सब कुछ इंक्लूड है। डे केयर एडमिशन जो होता है वो उसमें इंक्लूड है। इसके अंदर ऑपरेशन में जो मेडिसिन लगती है, जो इन्फिल्ट्रेशन का सॉल्यूशन रहता है, कंप्रेशन बेल्ट लगता है, एंटीबायोटिक वगैरह ऑपरेशन के दौरान लगती है, वो सब इसके अंदर इंक्लूड है। एनेस्थीसिया की मेडिसिन भी इंक्लूड है। साथ ही जो हम लोग स्पेशल चीज़ जो लेके आए हैं इस अभी नया इसमें, कि इसमें हम लोग पेशेंट को रिटर्न एयर फेयर भी दे रहे हैं। मतलब कि अगर आप हैदराबाद से इंदौर तक आते हैं तो आपको आने जाने का किराया इसी चार्ज में इंक्लूड रहेगा। यस, 30,000, 28,000 या 32,000 जो भी पैकेज है आपका, उसके अंदर आपका आने जाने का खर्चा इंक्लूड रहेगा। मतलब वो हमारी तरफ से रहेगा। हम उसमें मान के चलते हैं कि आपको एक व्यक्ति आएगा और फ्लाइट का जो चार्जेस है लगभग 10,000 होता है। सो आपको बेसिकली अगर वहाँ से यहाँ आते हैं तो आपको जो हमारा 28 की जगह मान लीजिए 18,000 का पैकेज पड़ रहा है, 30,000 वाला आपको एक्चुअल में 20,000 का पड़ रहा है, 32,000 वाला 22,000 का नेट पड़ रहा है। अब इसमें जो पेशेंट है वो मोस्टली एडल्ट पेशेंट रहते हैं, मोस्टली 18 से प्लस रहते हैं, तो वो अकेले भी आ सकते हैं। यदि आप किसी को साथ में लाना चाहते हैं तो आप अपने खर्चे पर ला सकते हैं, लेकिन अकेला आदमी भी आ सकता है, सेम डे वापस जा सकता है। और इसमें आपको बार बार आने का ज़रूरत नहीं रहता है, मतलब सिंगल टाइम विजिट लगती है और उसके बाद एक या दो बार ड्रेसिंग रहती है, तो आप अपने लोकल टाउन में या जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ पे कोई भी कर देगा, छोटे से नर्सिंग होम में भी हो जाएगा, आपको दोबारा उसके लिए आने की ज़रूरत नहीं है। यदि कोई व्यक्ति चाहे कि वो फ्लाइट से नहीं आना चाहता, बाय बस से या ट्रेन से आना चाहता है, तो वो अपने खर्चे पर आ सकता है। उस केस में हम लोग उसके 10,000 रुपीज़ कम कर देंगे जो पैकेज में, मीन्स जो 30,000 का जो पैकेज है वो 20,000 में हो जाएगा, 28,000 वाला 18,000 में हो जाएगा। इंदौर जो है मध्य प्रदेश में लोकेटेड है और यहाँ पर आप बाय रोड, बाय ट्रेन और बाय फ्लाइट आसानी से पहुँच सकते हैं। नमस्कार फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर सुमित जायसवाल, प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन। आज हम आपसे गायनेकोमेस्टिया या मेल बूब्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हम लोग जेनिथ प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जरी सेंटर इंदौर से हैं और सेंट्रल इंडिया में हम लोग मैक्सिमम नंबर गायनेकोमेस्टिया सर्जरीज करते हैं। हमारा जो क्लिनिक है करीब 10 साल से यहाँ पर चल रहा है और हम सारी तरह की कॉस्मेटिक सर्जरीज उसमें करते हैं। जो हमारा पर्पस है मेन इस वीडियो को बनाने का, वो आपको बताने का कि गायनेकोमेस्टिया सर्जरी किस तरह से की जा सकती है, इसका क्या कॉस्ट रहता है और इसमें क्या क्या स्टेप्स होती हैं। साथ ही हम ये भी बताना चाहते हैं कि हम लोगों का जो कॉस्ट है वो काफ़ी नॉमिनल है, क्योंकि हम लोगों का उद्देश्य है कि जो कॉस्मेटिक सर्जरी है अधिक से अधिक लोग करवा सकें और वो सभी के लिए असेसिबल हो। सो गायनेकोमेस्टिया मीन्स क्या होता है कि चेस्ट की स्किन के नीचे फैट और ग्लैंड जमा हो जाना। नॉर्मली बॉडी में कुछ चेंजेस होते हैं 14-15 साल की एज में, जिसकी वजह से कई बार जो चेस्ट का स्किन है उसके नीचे फैट और ग्लैंड जमा हो जाता है। कई बार वो थोड़ा सा रहता है, अपने आप ठीक हो जाता है, लेकिन यदि वो ज़्यादा रहता है और समय के साथ ठीक नहीं होता है, जिसकी वजह से पेशेंट को कॉस्मेटिक प्रॉब्लम रहती है, अच्छा नहीं दिखता है, कॉन्फिडेंस की कमी रहती है, तो हम इसे ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत रहती है। इसमें कोई मेडिकल मैनेजमेंट नहीं होता है, मतलब कोई दवाई गोली से इसमें कोई फ़ायदा नहीं होता है, इसमें हम लोग सर्जिकली उसको रिमूव कर पाते हैं। तो इसमें जो ट्रेडिशनली तो ऑपरेशन टाइप का होता था जिसमें कट लगा के निकालते थे, हम लोग जो करते हैं इसमें लाइपोसक्शन प्रोसीजर करते हैं, जिसमें कि स्किन में एक छोटा सा होल करते हैं जिसके थ्रू कुछ सॉल्यूशन अंदर डालते हैं स्किन के नीचे, जिससे जो फैट और ग्लैंड है वो ब्रेक डाउन हो जाता है और फिर उसी होल से उसको सक्शन करके निकाल देते हैं। इसमें कोई बड़ा कट या निशान नहीं लगता है। कुछ ग्लैंड्स अगर बच जाती हैं तो निप्पल एरियोला के वहाँ पर कट लगा के उस ग्लैंड को भी निकाला जाता है, लेकिन जो कट लगाया जाता है वो स्किन और एरियोला के जंक्शन पर लगाने की वजह से उसका भी कोई स्कार मार्क विजिबल नहीं होता है। जो प्रोसीजर रहता है उसका ड्यूरेशन टोटल टाइम 1 आवर रहता है, 45 मिनट्स टू 1 आवर,
और उसके बाद 2 से 3 घंटे के बाद पेशेंट वापस जा सकता है। हमारे पास सर्जरी करने के लिए पेशेंट काफ़ी दूर दूर से आते हैं, वो कई बार वो अकेले आते हैं और अकेले सेम डे वापस भी जा सकते हैं। इसके बाद हम लोग एक प्रेशर गारमेंट देते हैं, बेल्ट लगाने का रहता है, वो बेल्ट आपको अगले 5-7 दिन ज़रूरत के हिसाब से लगाना पड़ता है। कुछ मेडिसिन रहती है वो 5 से 7 डेज तक लेना रहती है। इसके बाद में 1 या 2 बार ड्रेसिंग करना रहती है, जो कि आप अपने होम सिटी या होम टाउन में भी करवा सकते हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा कुछ आफ्टर केयर की ज़रूरत नहीं रहती, आप अगले दिन से लगभग सारे काम कर सकते हो, अपने वापस वर्क पे जा सकते हो नेक्स्ट डे से। एक बार करने के बाद दोबारा फिर से ये होने का संभावना नहीं रहती यदि हम उसे कम्प्लीटली रिमूव कर दें। सो जो हमारा जो क्लिनिक है या सेंटर है, इंदौर मध्य प्रदेश में है, भोपाल के नज़दीक होता है, और आपके वहाँ से अगर हैदराबाद से अगर हम आते हैं तो यहाँ से बाय रोड, बसेस से, ट्रेन से या फ्लाइट से यहाँ पर आया जा सकता है आसानी से।